हेलो गाइस, आज गेम में अमावस है तो चलो एक भूतिया कहानी सुनते हैं इन आंटी जी के साथ। हेलो आंटी जी, एक भूतिया कहानी सुनाइए। जैसे तुम्हारी मर्जी बेटी, चलो। कैसा लगा मेरा मजाक? हाय हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पोकेमोन वायरस के ब्रांड न्यू एपिसोड में। सो लास्ट एपिसोड में मैंने हुएन लीग के कुछ बैटल्स किए थे, जिससे मुझे पता चल चुका था कि मेरे पोकेमोन्स को बहुत सारी ट्रेनिंग्स की ज़रूरत है। सो मैंने कुछ पोकेमोन्स को ट्रेनिंग दी है और अभी हमारा स्नोरन इवॉल्व हो चुका है ग्लेली में और वो एक नया अटैक सीखना चाहता है जो कि है फ्रीज ड्राई। इसका पावर है 70। बहुत सोचने के बाद मुझे लगा कि मुझे क्रंच हटा देना चाहिए, इसलिए मैंने क्रंच हटा दिया है। सो चलो अब बैटल करने के लिए चलते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको हमारी टीम दिखाना चाहता हूँ। हमारी टीम में जिद्दी और कॉर्फिस लेवल 40 के हैं और बाकी के पोकेमॉन्स 40 प्लस लेवल्स के हैं, तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ है। बाद में मैं जिद्दी और कॉर्फिस को भी ट्रेनिंग दे दूंगा। वेल अब चलो चलते हैं, ये एक डबल बैटल होगा, क्या तुम तैयार हो? हाँ बिल्कुल, लेकिन उससे पहले लास्ट पोके गेस के विनर सीख लेते हैं जो कि है एक्सपर्ट गेमिंग, तुषार सिन्हा और लेजेंडरी का। अगर आपको भी इसी तरह से आउट चाहिए तो वीडियो में एक पोके गेस मिलेगा, उसका आंसर देना पड़ेगा। जो तीन सबसे पहले आंसर देंगे उनको सर्टन मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। तुम्हें गुड लक। तुम्हें भी गुड लक। शायद से जहाँ तक मुझे पता है एस ने इसके सामने ग्रोवेल और ग्लील को यूज किया था, तो मैं भी वही यूज करूंगा। लेट्स गो। तो इस ट्रेनर के पास है सार्पीडो और कैमरा, लेकिन ग्रोवेल और ग्लीली के सामने तो चारिजार्ड और टाइप्लोजन थे। शायद इस गेम में कभी कभी एनिमे के मुताबिक बैटल्स नहीं आते। वेल जो भी हो, ग्रोवेल यूज करो गिगाड्रेन सार्पीडो पर और ग्लीली तुम यूज करो फ्रॉस्ट ब्रेथ कैमरा पर। अरे ग्रोवेल पर नहीं, कैमरा पर। वेरी गुड, सार्पीडो वन शॉट फेंटेड और ग्रोवेल आ चुका है लेवल 48 का और वो सीखना चाहते हैं फॉल्स स्वाइप, नया अटैक। चलो देखते हैं कितना पावर है। 40 पावर, इतना कम पावर, फिर भी वो अपने टारगेट को 1 HP तक ला सकता है। सॉरी, फिर भी आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ओह क्रिटिकल हिट, सुपर ग्लीली। ओके ग्रोवेल, इट्स टाइम टू फिनिश द बैटल, यूज करो गिगाड्रेन। यस, तो ये बैटल भी हमने जीत लिया है। ये डबल्स बैटल जीतने के लिए कांग्रेचुलेशंस, तुम्हारा अगला बैटल भी एक और डबल बैटल होने वाला है। सॉरी गाइस, अनफॉर्चुनेटली मैं ग्रोवेल और ग्लीली की हेल्प से चारिजार्ड और टाइप्लोजन को हराने में अनसक्सेसफुल रहा। मैंने 3 बार ट्राई किया फिर भी मैं उनको नहीं हरा पाया। जैसा कि आप जानते ही हैं, एस बनना काफ़ी मुश्किल है। फिलहाल चलो चलते हैं एक 6-on-6 बैटल के लिए। तुम दिखने में थोड़े क्यूट हो, लेकिन उसी वजह से ही तुम मुझे नहीं हरा पाओगे। अच्छा ऐसा है, तो चलो बैटल में देखते हैं। कैटी का फर्स्ट पोकेमोन है वेनोमोथ। लेट्स गो डॉर्कॉल, जाओ यूज करो बॉडी स्लैम। चलो इसे लास्ट मौका देते हैं, फिर से यूज करो बॉडी स्लैम। सिलोविंड इसे कहते हैं अटैक। ओके वेनोमोथ, अब तुम्हारा टाइम खत्म हो चुका है, टॉर्कॉल यूज करो फ्लेम थ्रोअर। वेनोमोथ फेंटेड और कॉर्फिस आ चुका है लेवल 41 पर। नेक्स्ट पोकेमोन है डक्ट्रियो। डक्ट्रियो के सामने इसने कौन सा पोकेमोन यूज किया था? शायद से कॉर्फिस नहीं, ग्लीली यूज किया था। चलो चले ग्लीली, इस डक्ट्रियो को हराते हैं, जाओ यूज करो आइस बीम। सुपर डैमेज, एक और बार यूज करो आइस बीम। व्हाट, इसने पोकेमोन चेंज कर दिया, गोल्डक। इसके सामने मुझे कौन सा पोकेमोन यूज करना था? आई गेस मुझे कॉर्फिस यूज करना था। लेट्स गो कॉर्फिस। मेरी वॉइस पहले से थोड़ी अलग लग रही होगी, सॉरी गाइस, माफ करना। सिर्फ 28 HP बची है, ऐसे तो कॉर्फिस नहीं हरा पाएगा। अब ठीक है, लेट्स गो कॉर्फिस, यूज करो क्रंच अटैक। कंफ्यूजन, नहीं यार, एक आखिरी कोशिश करो कॉर्फिस, यूज करो क्रैब हैमर।
फ्यूरी स्वाइप्स, लो काम खत्म। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। कॉर्फिस तो इसे नहीं हरा पाया। वेल चलो ग्रोवाइल, तुम ही इसे हरा दो। ग्रोवाइल यूज करो बुलेट सीड। ग्रोवाइल कभी तो सीखो यार 5 times। इसे देखो 5 times करके कॉर्फिस को हरा दिया। वेल चलो अच्छी बात है, गोल्डक हो चुका है फेंट और अगला पोकेमोन है सीजोर। सीजोर के सामने मुझे जिद्दी को यूज करना था। लेट्स गो जिद्दी। चलो देखते हैं तुम हरा पाते हो या नहीं। यूज करो ए रिलीज। चलो इस बार यूज करो एयर स्लैश। जबरदस्त, एक और एयर स्लैश। यस, सिर्फ 1 SP बची है। ओह मेटल ग्लो और जिद्दी हो चुका है फेंट। लेट्स गो जिद्दी, हमें ही इसे हराना है। जाओ इसे हरा दो। अब थोड़ा मजा आ रहा है। अगला पोकेमोन है वॉलरिन। तो वॉलरिन के लिए ग्रोवाइल सही है। लेट्स गो ग्रोवाइल। ग्रोवाइल चलो HP रिकवर का टाइम है, यूज करो गीगा ड्रेन। ऑसम, आइस बीम यार। ग्रोवाइल फेंट हो गया लेकिन मैं फिर से कोशिश करूंगा। फिर से आइस बीम। ग्लीली यूज करो हेडबट। बहुत बढ़िया, एक और हेडबट। चलो आखिरकार वॉलरिन भी हो चुका है फेंट और नेक्स्ट पोकेमोन है डक्ट्रियो। चलो ग्लीली यूज करो आइस बीम। फिर से सैंटोम। यस, डक्ट्रियो भी हार चुका है। ग्लीली लेवल 44 और अगला पोकेमोन है मिस ड्रेवस। चलो इससे भी हराते हैं। ग्लीली यूज करो फ्रॉस्ट ब्रेथ। एक क्रिटिकल हिट, इसका तोहफा मिलेगा। चलो एक और फ्रॉस्ट ब्रेथ। फिर से क्रिटिकल हिट, तो फिर से तोहफा। ग्लीली इस बार यूज करो आइस बीम। डेस्टिनी बॉन्ड यार, बिल्कुल वैसा जैसा एनीमे में हुआ था। ग्लीली हो गया फेंट और ये मेरी पहली जीत। ऐसा कोई रास्ता ही नहीं था जिससे मैं हार सकती थी। फिर भी तुम हार चुकी हो ना। कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुमने टॉप 32 पार कर लिया है। अब तुम्हारा नेक्स्ट बैटल होगा टॉप 16 में। ओके, लेकिन उसके लिए मुझे बहुत सारी ट्रेनिंग की जरूरत है, इसलिए मैं जा रहा हूँ ट्रेनिंग के लिए। बाय नर्सजॉय। तो जैसा कि मैंने कहा था, मैं कॉर्फिस और जिद्दी को ट्रेनिंग दूंगा। तो कॉर्फिस आ चुका लेवल 44 पर और अब भी मैं इसे ट्रेनिंग दे रहा हूँ। ओके सो गाइज, मैंने कुछ पोशंस और सुपर पोशंस और रिवाइव्स ले लिए हैं और ये रही मेरी फाइनल टीम नेक्स्ट बैटल के लिए। कॉर्फिस को मैंने 44 लेवल तक पहुंचा दिया है और जिद्दी को लेवल 42 पर। ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं हो पाई क्योंकि ग्रास में मेरा कैरेक्टर बहुत स्लो चलता है और मज़ा भी नहीं आता। ओके सो चलो अब चलते हैं मॉरिसन से बैटल करने के लिए। वॉट, मैं रजिस्टर नहीं हूँ। ओह सॉरी, तो मुझे यहाँ जाना था। नहीं, ये तो डबल स्टेज है, शायद मुझे यहाँ जाना था। राइट, दिस वे। चलो मेरे दोस्त मॉरिसन, एक धमाकेदार बैटल करते हैं। मुझे सच में ये नहीं करना, लेकिन तुम कह रहे हो इसलिए चलो करते हैं। समझने के लिए शुक्रिया मॉरिसन। चलो अपनी पूरी ताकत से बैटल करते हैं। पहली बारी है जिराफ्रिक की। लेट्स गो कॉर्फिस, यूज करो क्रैब हैमर। लाइट स्क्रीन के बावजूद अच्छा डैमेज मिला, एक और क्रैब हैमर। यस, अब आखिरी बार। ओ यार, डिफेंस गिरा दिया। जिराफ्रिक फेंटेड और अगला पोकेमोन है ग्लाइगार। ओके सो इसके सामने हम यूज करेंगे जिद्दी को। लेट्स गो जिद्दी। जहां तक मुझे याद है एस ने भी स्वेलो को ही यूज किया था। जिद्दी यूज करो एयर स्लैश। फ्लिंच तो हो गया लेकिन अच्छा डैमेज नहीं मिला। आयरन टेल लेकिन मिस हो गया। ओह तो लाइट स्क्रीन की वजह से ज्यादा डैमेज नहीं मिल रहा था। एयर स्लैश की बारिश कर दो जिद्दी। स्टील विंग, नाइस। अब तो लाइक करना ही पड़ेगा गाइस, 1 लाइक इक्वल्स टू 1% चार्ज। कॉर्फिस आ चुका है लेवल 45 पर और अगला पोकेमोन है मैटंग। मैटंग के सामने हम यूज करेंगे पिकाचू को, नहीं ग्लेली को। लेट्स गो ग्लेली, कौन सा अटैक अच्छा रहेगा। जाओ यूज करो फ्रॉस्ट ब्रेथ। क्रिटिकल हिट लेकिन इफेक्टिव ही नहीं है।
अरे भाई भाई भाई, सिर्फ 20 एचपी बची है। ग्लेली आइस बीम, एक और क्रिटिकल हिट और ये फ्रोजन हो गया यार। इसलिए कहते हैं मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। ग्लेली एक और आइस बीम, ओह थोड़ा भी इफेक्ट नहीं हो और ये डिफ्रॉस्ट हो गया। अरे यार फिर भी एक और बार ट्राई करते हैं यार। 1 एचपी से रह गया। सुपर्ब ग्लेली, चलो फाइनल अटैक करो। यस, हमने मेटंग को भी हरा दिया और अगला पोकेमोन है स्टीलिक्स। उसके सामने मुझे यूज करना है टॉरकॉल को। लेट्स गो टॉरकॉल। टॉरकॉल यूज करो फ्लेल अटैक। हमें इसे फेंट नहीं करना क्योंकि हमें हारना है। वाओ अच्छा डैमेज मिल रहा है। एक बार बॉडी स्लैम करते हैं। इमेजिन गाइस, एक इतने बड़े स्टीलिक्स पर टॉरकॉल बॉडी स्लैम कर रहा होगा। टॉरकॉल वापस आ जाओ, मैं तुम्हें फेंट नहीं होने दूंगा। ओके ग्रोवाइल, चलो बैटल को थोड़ा रोमांचक बनाते हैं। यूज करो एक्सेसर। डिग, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं हुआ। ग्रोवाइल यूज करो गीगा ड्रेन। बहुत ही बढ़िया ग्रोवाइल, इस बार यूज करो बुलेट सीड। यार कभी तो 5 टाइम्स कर लिया करो। वेल चलो अब रिकवरी का टाइम है। इसी के साथ स्टीलिक्स भी हार चुका है और मॉरिसन का अगला पोकेमोन है ग्राउलीथ। उसके सामने तुम्हें आना है कॉर्फिस, चलो उसे हराते हैं। कॉर्फिस एक क्रैब हैमर हो जाए। ओह उससे पहले फ्लिंट थ्रोअर और अच्छा डैमेज ले गया यार। यस वन शॉट फिंटेड, सेम टू सेम एनिमी की तरह। अगला पोकेमोन है स्वैम्पर्ट, हमें इसको भी हराना पड़ेगा। कॉर्फिस यूज करो क्रैब हैमर। यार स्वैम्पर्ट फोकस ही नहीं कर रहा बैटल में। मॉरिसन प्लीज अच्छे से बैटल करो यार। कॉर्फिस तुम क्रैब हैमर करते रहो। अरे हाइड्रो पंप, वेरी गुड स्वैम्पर्ट, मतलब कि वेरी गुड मॉरिसन। चलो अब इस बैटल को यादगार बनाते हैं। टॉरकॉल बहुत स्लो है इसलिए वो हार गया। अब तुम्हारी बारी है जिद्दी, लेट्स गो ए रिलीज। यस अमेजिंग जिद्दी, ग्रेट बैटल, मैं आशा रखता हूँ कि तुम इसी तरह अच्छा करोगे। हाँ जरूर मॉरिसन, थैंक यू सो मच। कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम टॉप 16 में जीत चुके हो। तुम्हारा अगला बैटल होगा टॉप 8 में। मैं ब्रॉक को पूछना चाहता हूँ, क्या उसने मेरा बैटल देखा होगा? शायद से। ग्रेट बैटलर्स, शुक्रिया ब्रॉक। चलो अब मैं मेरा अगला बैटल करने के लिए चलता हूँ, बाय। अगले बैटल में जाने से पहले मैं मेरे पोकेमोन को हील करना ही भूल गया। चलो मैं नर्सर से मिलकर आता हूँ। अब चलो चले टाइसन के साथ बैटल करने। ये है एवरग्रैंड स्टेडियम 2, इसके लिए तुम रजिस्टर नहीं हो। माफ करना मैं गलत जगह आ गया था। ओके सो यहाँ भी नहीं आया यार, तो कहाँ जाना है? राइट इश्योर, एक इंटेंस बैटल के लिए तैयार हो जाओ। चलो हम दोनों हमारा बेस्ट करते हैं। ऑलराइट टाइसन। सो टाइसन का फर्स्ट पोकेमोन है सेप्टाइल। चलो ग्लेली जल्दी से यूज करो आइस बीम। ओह ये तो चलाक निकला, डिटेक्ट कर लिया। और अब आ चुका है सिफ्ट्री। सिफ्ट्री के सामने मुझे टॉरकॉल को यूज करना है। मेगा किक से स्वागत, लेकिन मिस हो गई। टॉरकॉल फ्लेम थ्रोअर। यस सिफ्ट्री आसानी से हार चुका है। अगला पोकेमोन है हरियामा। इससे तुम्हें हार नहीं है टॉरकॉल, इससे अच्छा तुम थोड़ा डैमेज देते जाओ। यूज करो बॉडी स्लैम। ओह वेरी गुड, पैरालाइज कर दिया। एक और बॉडी स्लैम, तुमने बहुत अच्छा किया टॉरकॉल। चलो कॉर्फिस अब तुम्हारी बारी है। कॉर्फिस यूज करो क्रैब हैमर। अरे यार तुम मिस बहुत हो जाते हो। अरे यार ब्रिक ब्रेक, एक और क्रैब हैमर। अरे हरियामा क्या कर रहे हो, कॉर्फिस को हराओ यार, इससे ही हारने का इरादा है क्या? लगता है इसे ऐसा ही चाहिए। कॉर्फिस तुम क्रंच करते रहो। आखिरकार इसने अटैक किया सही। चलो जिद्दी ये जीत हमारी होनी चाहिए थी, लेकिन थोड़ी ही है हमारी। यूज करो ए रिलीज। आखिरकार हरियामा हो चुका है फेंट और जिद्दी आ चुका है लेवल 45 पर। वो सीखना चाहता है एंडेवर, मैं नहीं सिखाऊंगा। माफ करना जिद्दी, वो अच्छा अटैक नहीं है। अगला पोकेमोन है मेटाग्रॉस। उसके सामने मुझे यूज करना है पिकाचू को, लेकिन मुझे लगता है जिद्दी थोड़ा डैमेज दे पाएगा। सो चलो जिद्दी यूज करो विंग अटैक।
ओह ये हमारा लास्ट चांस हो सकता है, इसलिए यूज करो एयर स्लैश। चलो नसीब अच्छा है कि इसका अटैक भी मिस हो गया, फिर से एयर स्लैश। अब मेरे पिकाचू की बारी है, पिकाचू अपना फेवरेट थंडरबोल्ट। एक और थंडरबोल्ट हो जाए पिकाचू। मेटाक्रॉस फेंटेड और अगला पोकेमोन है सेप्टाइल। चलो ग्लेली, पिछली बार बैटल अधूरा रह गया था, जाओ यूज करो आइस बीम। ओह सोलर बीम, अच्छा कॉम्बिनेशन है ना, आइस बीम और सोलर बीम। वैसे ये फ्रोजन हो गया, यस ग्लेली इस बार फ्रॉस्ट ब्रेथ। सुपर से भी ऊपर ग्लेली। वेल ग्लेली लेवल 45 और टाइसन का लास्ट पोकेमोन है म्याउथ। जाओ पिकाचू, तुम्हारी पूरी कोशिश करना। पिकाचू यूज करो आयरन टेल, आई होप इससे ज्यादा डैमेज नहीं मिले जिससे ये फेंट ही हो जाए। थंडरबोल्ट, अरे म्याउथ क्या मजाक कर रहे हो यार, फिर से आयरन टेल पिकाचू। यस पिकाचू, मैंने सपने में हरा दिया टाइसन को। व्हाट, अभी भी डॉनफिन बाकी है, इसको तो मैं भूल ही गया था। चलो ग्रोवाइल हमारी आखिरी बारी है, जाओ यूज करो गीगा ड्रेन। डॉनफिन कुछ कर पाओगे या नहीं? कुछ नहीं, सिर्फ सैंडस्टॉर्म। ग्रोवाइल लेट्स फिनिश द बैटल। यस सपने में सही, गेम में सही, एस टाइसन के सामने जीत गया। तुमने तुम्हारा बेस्ट दिया, थैंक यू सो मच टाइसन, सपने में ही सही मुझे होइनले की ट्रॉफी तो मिली। इस साल तुम टॉप 8 तक ही पहुंच पाए, अगले साल फिर से आना और फिर से ट्राई करना, थैंक यू फॉर कम्पीटिंग। इसी के साथ मेरी होइन जर्नी का एंड होने वाला है, तो आपसे मिले बिना कैसे जा सकते हो नर्स भाई। थैंक यू सो मच इतनी बार होइन में मेरे पोकेमोन्स को हील करने के लिए। बाय, मैं मिलूंगा आपको बैटल फ्रंटियर में। सो चलो गाइस, अब सबसे पहले तो बाहर चलते हैं और देखते हैं ब्रॉक क्या कहता है। तुम्हें देखकर अच्छा लगा ऐश, मैं प्रोफेसर ओक के एड्स में से एक हूँ, वो तुम्हें जल्दी से जल्दी मिलना चाहते हैं। ओके गाइस, सो प्रोफेसर ओक ने मुझे बुला लिया है, सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगले एपिसोड में हम पैलेट टाउन जाएंगे। वेल आज का एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक जरूर से कर देना। अरे वैसा हो सकता है कि मैं एक वीक या फिर दो वीक का ब्रेक ले लूँ, आपका क्या सजेशन है मुझे जरूर से बताना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। Hello, Conan.